तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने अकाउंट को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों आपका अकाउंट है वो नॉर्मल अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन और इसे किस तरह से अनेबल करना है और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि इसका यूज़ किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसे ऑन करने के लिए आपको जीमेल में आना है और वहाँ पे गूगल मैनेजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आ जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा है पढ़ लेना है, ठीक है, और गेट स्टार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो जीमेल आईडी है उसका पासवर्ड पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड को डाल देना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप पहुँच जाओगे तो यहाँ पे आपको दो मेथड मिल जाते हैं। यहाँ पे शो मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोड वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। आप कोई दूसरे अकाउंट में साइन इन करोगे तो उसमें जो है वेरीफाई कोड की मदद से भी आप कर सकते हो, तो वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता क्योंकि कोड को हमें याद रखना पड़ता है, वो कोड काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं और वहाँ पे आपको कई सारे कोड दिखाई जाते हैं जिसमें से आप कोई भी डाल सकते हैं और इसकी आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो जो है आपको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उस जमेल में आप मत पड़ो। यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को डाल देना है। उसके बाद ओटीपी किस टाइप से आएगा तो यहाँ पे आप टेक्स्ट और कॉल दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा तो ओटीपी को आपको वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद में दोस्तों फाइनली हमारा जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाद में आपको कभी भी इसे ऑफ करना हो तो यहाँ से आप जो ऑफ भी कर सकते हैं इसे। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको किस तरह से मतलब के काम आएगा। तो मैंने इसे ट्राई भी किया था बट स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था, तो इसके लिए सॉरी, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप जब भी किसी भी मोबाइल में साइन इन करने की ट्राई करोगे या तो कोई और साइन इन करने की ट्राई करेगा और आपका जो ओरिजिनल अकाउंट है जिस मोबाइल में, ठीक है, जिसमें आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को अनेबल किया है, तो आप उसमें एक पॉपअप आएगा और उसमें लिखा होगा यस और नो, तो आप यस कर दोगे तो वो साइन इन कर पाएगा या तो नो कर दोगे तो वो साइन इन नहीं कर पाएगा। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई मोबाइल खो गया तो क्या करना, किसमें यस और नो करने का ऑप्शन आएगा। दोस्तों उसमें आपने मोबाइल नंबर डाले होते हैं तो आप मोबाइल नंबर में जो ओटीपी आता है उसे लेकर डाल सकते हैं और उससे भी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन क्योंकि आपको पहले अपना जो पासवर्ड होता है वो डालने का और उसके बाद ये वाली मेथड से आपको पसार होने पड़ेगा तभी आप साइन इन कर पाओगे। ये आपके अकाउंट को काफी ज्यादा सिक्योर बना देता है और मैं तो यही कहूंगा कि आपको जो है आपके अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा लगा के रखना चाहिए। बस दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी को ऑल पर प्रेस कर देना और हम इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।